हेलो स्टूडेंट्स गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आज हम सी एस आर नैट पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर नंबर टू है प्रीवियस वीडियो में हमने पेपर वन का सिलेबस एंड पैटर्न डिस्कस किया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट या चैनल प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं जो पेपर वन है हमारा वो क्या है कंपल्सरी है और पेपर टू हमारा सब्जेक्ट बेस्ड होता है और हम आज जो मैथ का पैटर्न पे, है पेपर पैटर्न वो डिस्कस करेंगे सो so, पेपर टू में हमें क्या आएगा हमारे तीन पार्ट्स होंगे पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी जो पार्ट ए एंड बी है उसमें हमारी नेगेटिव मार्किंग है जो पार्ट सी है उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है जो हमारा पार्ट ए है उसमें टोटल ट्वेंटी क्वेश्चंस आएंगे और हमने कोई भी फिफ्टीन अटेम्प्ट करने हैं और और जो सभी क्वेश्चंस हैं वो कितने मार्क्स के हैं टू मार्क्स के मतलब पार्ट ए में हमारा थर्टी मार्क्स का पेपर है पार्ट बी में फोर्टी क्वेश्चन आएंगे और सेवन हमने अटेम्प्ट कितने करने हैं ट्वेंटी फाइव और ईच क्वेश्चन कितना होगा थ्री मार्क्स का और दैट मीन्स टोटल मार्क्स कितने हो गए सेवेंटी फाइव और इसमें हमारी जो नेगेटिव मार्किंग है वो क्या है जीरो पॉइंट सेवन फाइव तो आपको जो क्वेश्चन आता होगा वो ही आपने अटेम्प्ट करना है क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारी नेगेटिव मार्किंग है तो इसको ध्यान में रखना है और पार्ट सी में हमारे टोटल क्वेश्चन 60 होंगे हमने अटेम्प्ट करने हैं ट्वेंटी और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और एक क्वेश्चन हमारा फोर पॉइंट सेवन फाइव का है मतलब टोटल हमारा नाइन्टी फाइव नाइन्टी फाइव का पेपर है तो मतलब हम हमारे टोटल क्वेश्चंस हो गए ट्वेंटी हमने अटेम्प्ट करने हैं सिक्सटी और हमारा पेपर कितना है टू हंड्रेड मार्क्स का मतलब पेपर वन हमारा हंड्रेड का है और पेपर टू हमारा टू हंड्रेड का देन दोनों पेपर मिलाकर हमारे थ्री हंड्रेड के आ गए जो हमारा पार्ट ए है वो टू मार्क्स का है पार्ट बी में हमारा ईच क्वेश्चन थ्री मार्क्स का है और पार्ट सी में हमारा ईच क्वेश्चन फोर पॉइंट सेवन फाइव का है आपने याद क्या रखना है कि पार्ट ए और बी में हमारी नेगेटिव मार्किंग है तो इन दोनों में आपको जो क्वेश्चन आएगा वही अटेम्प्ट करना है आपने और पार्ट सी में आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कराने हैं और ये पेपर टू टू आर्स मतलब दो घंटे का पेपर है जो पेपर वन है वो शायद वन hours मतलब एक घंटे का पेपर है नाउ हम मैथ्स का सिलेबस डिस्कस कर, कर लेते हैं फर्स्ट है रियल एनालिसिस ये आप किसी भी अपने नोट्स में नोट कर लो क्योंकि आपको एज इट इज याद नहीं रहेंगे तो आपने एक नोटबुक लगा लेनी है जैसे मैंने यहाँ पे नोट्स लगाए हैं वैसे आपने भी नोट्स लगा लेने उस पे आप ऐसे लिख के रख लो ता जो आपको इजी रहे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो नाउ अब हम सिलेबस देखते हैं रियल एनालिसिस सेकेंड इज लीनियर अल्जेब्रा थर्ड इज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फोर्थ इज अल्जेब्रा और एब्स्ट्रैक्ट अल्जैब्रा फिफ्थ इज ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सिक्स इज न्यूमेरिकल एनालिसिस सेवंथ इज कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एट्थ इज लीनियर इंटेग्रल इक्वेशन और इंटेग्रल इक्वेशन नाइन्थ इज क्लासिकल मकैनिक्स टेंथ इज प्रोबेबिलिटी इलेवेंथ इज स्टेटस्टिक्स ट्वेल्थ इज लीनियर प्रोग्रामिंग या ऑपरेशन रिसर्च सो ये थे हमारे ट्वेल्व टॉपिक्स नाउ अब हम देखते हैं कि रियल एनालिसिस में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं ये आप अपनी नोट्स में नोट कर सकते हैं फर्स्ट है हमारा लीनियर अल्जेब्रा लीनियर अल्जेब्रा में देखो क्या क्या है हमारे टॉपिक्स वेक्टर स्पेस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आइगन वैल्यूज एंड आइगन वैक्टर्स डायग्नोजिबिलिटी एंड जेसी फॉर्म इंटीरियर प्रोडक्ट स्पेस एंड क्वारिक फॉर्म ये आपने सेवन टॉपिक अपने बुक नोटबुक पे नोट कर लेने हैं नेक्स्ट इज रियल एनालिसिस रियल एनालिसिस में हमारे कौन कौन से टॉपिक है सिक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स ये हमने पोस्ट ग्रेजुएशन में किया है और ये पेपर वही दे सकता है जो एम एस सी थर्ड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के में हो या फोर्थ सेमेस्टर जो एम एस सी फर्स्ट ईयर में है वो ये यूजीसी का पेपर सॉरी सी एस आर का पेपर नहीं दे सकता यह हमारा जो मैथ होता है वो सी एस आई आर नेट का होता है बट जो सिंपल होता है जैसे पंजाबी का जिनका सब्जेक्ट पंजाबी हिंदी कमर्स uh, एक्सेट्रा होते है उनको हम UGC net. But, है, बोलते हैं हम यूजीसी नेट बट जो मैथ से रिलेटेड होता है उसको हम बोलते हैं सी एस आई आर नेट जैसे मैथ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री एक्सेट्रा ये हमारे होते हैं सी एस आई आर नेट और हमारे दो पेपर्स होते हैं पेपर वन एंड पेपर टू और जो यूजीसी नेट होता है उनका पेपर वन एंड टू कंबाइन कम, होकर आता है हमारे दो पेपर्स होते हैं जो हमारा पेपर वन है वो क्या होता है कम्पल्सरी होता है इसकी मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी आप वो देख सकते हैं मैंने उसका पैटर्न और सिलेबस डिस्कस किया था तो आप वीडियो वो देख सकते हैं नाउ रियल एनालिसिस में हमारे क्या होता है सिक्वेंस ऑफ रियल नंबर सीरीज ऑफ रियल नंबर काउंटेबिलिटी एंड पॉइंट सेट टपोलॉजी लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी ये भी हमने एमएससी में किया था डिफ्रेंशिलिटी राइम इंटेग्रेशन एंड ये क्या है बाउंडेड वेरिएशन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ये कन्वर्जेंट वाला भी हमने रियल एनालिसिस में किया है जो हमारे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में था एट इज फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएशंस तो ये थे हमारे ए टॉपिक्स रियल एनालिसिस के थर्ड इज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो मैंने ये लिखवाए थे ना इसको हम मैं डीपली बता रही हूँ कि कौन कौन से होते हैं जैसे रियल एनालिसिस लीनियल जबरा के मैंने बता दिए अब मैं आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बता रही हूँ एनालिसिस फंक्शन एंड सी आर इक्वेशन नेक्स्ट है सिंगुलरिटी सीरीज ऑफ कॉम्पलेक्स नंबर एंड रेजिड्यू इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट थ्यूरी एंड बायियर ट्रांसफॉर्मेशन तो इसके थे फाइव टॉपिक्स नेक्स्ट है ग्रुप थ्योरी ग्रुप थ्योरी में क्या है ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टीज ये मैंने ग्रुप वाला जो टॉपिक है ये मैंने जो बी ए बी एस सी फिफ्थ सेमेस्टर है ग्रुप थ्योरी वो वीडियोस अपलोड किए हैं वो आप देख सकते हैं इसमें से नेक्स्ट है सब ग्रुप एंड नॉर्मल सब ग्रुप होमोमोर्फिक एंड आइसोमोर्फिक ये हमने सारे फिफ्थ बी ए बी एस सी फिफ्थ सेमेस्टर में किए थे सिमेट्रिक ग्रुप तो ये थे हमारे फोर टॉपिक्स मतलब ग्रुप थ्योरी में हमारे फोर टॉपिक्स आते हैं नेक्स्ट है रिंग थ्योरी रिंग थ्योरी भी हमने बी ए फिफ्थ सेमेस्टर में किया था इसमें क्या है रिंग्स एंड आइडल्स रिंग एंड रिंग ऑफ पॉलिनोमियल फील्ड फील्ड एक्सटेंशन एंड ग्लोसरी फील्ड ये हमारा एमएससी थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है जो जो हमारा थर्ड पेपर है फील्ड थ्योरी जो टॉपिक फाइव है रिंग थ्योरी उसके हमारे टोटल थ्री टॉपिक्स हैं टॉपिक नंबर सिक्स इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें क्या है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन जर्नल थ्योरी ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफ्रेंशियल इक्वेशन सिस्टम ऑफ ओ डी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम सिक्स इज यूनिकनेस एंड एक्सटेंस ऑफ एफ ओ एफ डी तो इसमें टोटल हमारे सिक्स टॉपिक्स हैं जो किसके हैं ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी हमारा एमएससी थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है जो हमारी डिफरेंशियल क्वेश्चन है ना ये सारे टॉपिक्स हमारे उसमें से हैं। तभी मैं आपको बोल रही हूं कि जो हमारा यू सी एस आर नेट है उसके लिए आपको थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में होना जरूरी है तभी आप ये पेपर दे सकते हो वैसे तो आपको ये पेपर फोर्थ सेमेस्टर में देना चाहिए नेक्स्ट इज टॉपिक नंबर सेवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें हमारे क्या फोर टॉपिक्स हैं लीनियर पार्शियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर ये नॉन लीनियर पीडीई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ये शायद फोर्स एम एस ए फोर्स होमोगीनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कॉफिशंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पीडीए पीडी मतलब पार्शल डिफ्रेंशियल इक्वेशन नेक्स्ट इज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम तो इसके फोर टॉपिक्स थे पार्शल डिफ्रेंशियल इक्वेशन के ये भी शायद एमएसई थर्ड सेमेस्टर में हमने पढ़ा था नेक्स्ट है कैल्कुलेशन ऑफ वेरिएशन जो हम मेरी नोटबुक पे टॉपिक नंबर सेवन था तो इसमें हमारा क्या है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन बस इसमें एक ही टॉपिक है हमारा कैलकुलस ऑफ वेरिएशन नेक्स्ट है इंटेग्रल इक्वेशंस इसमें भी एक ही टॉपिक है नेक्स्ट है नमेरिकल एनालिसिस इसमें भी एक टॉपिक है एलपीपी इसमें जरूरी नहीं है कि आपको एलपीपी आएगी आपको जो फोर्थ सेमेस्टर में है ना नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ये दोनों टॉपिक्स मैंने वहां पे वीडियो डाली हुई हैं जो थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर की हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं तो इसका मतलब हमारे टोटल इलेवन टॉपिक्स हैं, उसको आगे एक्सप्लेन किया हुआ है सो आई होप आपने ये सभी टॉपिक्स अपने नोटबुक पे नोट कर लियू अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और ये टॉपिक्स की वीडियो मैं होली होली अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करती जाऊंगी क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम इसका पेपर दे रही हूँ वैसे तो मेरी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो 2021 में हो गई थी बट हेल्थ इश्यू के कारण मैं फर्स्ट टाइम दिसंबर में पेपर देने वाली हूँ तो मैं भी जब तक ये सॉल्व कर रही हूं तो देन सोल्व अपना आप मतलब क्या कि जो पहले मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर दू देन इसकी वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी थैंक यू